गाइस रिसेंटली चीन को बार बार कभी अमेरिका कभी भारत तो कभी ऑस्ट्रेलिया से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। गाइस इस बार जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रशांत देश फिजी में चीन के विदेश मंत्री ब्यांग यिंग को करारा झटका लगा है। प्रशांत महासागर के 10 देशों ने चीन के साथ सुरक्षा और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और प्रशांत देशों के दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो आइए समझते हैं दुनिया की सबसे उलझी हुई कूटनीति को। तो गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट यार वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों रिसेंटली जिस तरीके से अमेरिका ने चीन की हालात खस्ता की है उस सबको देखकर चीन काफी बौखलाया हुआ है और चीन ने रिसेंटली ताइवान पर भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है जहां पर उसने अपने 30 फाइटर जेट को ताइवान की सीमा में भेज दिया था। लेकिन टाइम रहते ही घुसियाए ताइवान ने भी चीन के इन फाइटर जेट्स को खदेड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अमेरिका की तरफ से जो बड़ा बयान आया था वो ये था कि अमेरिका ने यहां पर साफ कर दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक करने की कोशिश की तो उसे अमेरिका और जापान से भी युद्ध करना होगा। दोस्तों जिस तरीके से चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाया है उसे देखकर अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत की भी टेंशन काफी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के कूटनीतिक जाल में चीन फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गोइच चीन की ओर से भी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और भारत को घेरने के लिए प्रशांत महासागर के 10 देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर चीन पूरी तरीके से फेल हो गया और प्रशांत देशों के दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री व्यांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा और चीन को यहाँ पर अमेरिका के सामने बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है क्योंकि गाइस जिस तरीके से अमेरिका ने अपना कूटनीतिक जाल बिछाया है उसमें चीन पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इससे पहले अमेरिका ने नेपाल को चीन से अलग करके चीन की कमर तोड़ी थी और नेपाल के विदेश मंत्री लंबे समय के बाद अमेरिका दौरे पर जाएंगे और यहीं से अमेरिका और नेपाल के रिलेशन भी एक नई उड़ान भरने वाले हैं। और अब यहाँ पर चाइना पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है और दुनिया के देश चीन की नापाक हरकतों को अच्छे से जानते हैं जहाँ पर भारत को अब दमदार बम्पर कमाई होने वाली है क्योंकि दुनिया की कंपनियां अब भारत में ही इन्वेस्ट कर रही हैं। दोस्तों रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा था कि भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर जिस तरीके से दुनिया में पहचान बनाई थी उसकी पूरी दुनिया मुरीद हो गई और अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने भी चाइना को छोड़कर भारत का रुख किया है क्योंकि दोस्तों अमेरिका ये जानता है कि अगर चाइना को खुला छोड़ा तो वो अमेरिका के सामने ही खड़ा होगा। इसलिए अमेरिका भी चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है जिससे चीन कभी भी अमेरिका के सामने खड़ा ना हो सके।